चंडीगढ़ सेक्टर डी में बुधवार सुबह लगभग 8 बजे के करीब एक स्थानीय स्कूल के पास खुदाई कार्य के दौरान घरेलू गैस सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई। इसके बाद तेज धमाके के साथ तेजी से गैस लीक होने लगी। इससे स्कूल के बच्चों में भगदड़ मच गई और स्कूल अध्यापकों ने सभी बच्चों को वहां से निकाला और घर भिजवाया। बता दें कि ये खुदाई का काम सेक्टर 40D के शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास चल रहा था। दरअसल स्कूल की दीवार के पास कच्ची जगह पर बरसाती पानी की पाइप लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद नगर निगम की ओर से आए निजी ठेकेदार ने जेसीबी मशीन के साथ सुबह से काम शुरू करवा दिया था। खुदाई के दौरान लगभग 6 से 7 फीट नीचे गैस पाइपलाइन के साथ जेसीबी मशीन टकरा गई और अचानक गैस लीक होने लगी। घटना की जानकारी पाते ही दमकल विभाग की गाड़ी और पुलिस की टीम पहुंच गई और बचाव अभियान सुबह किया गया। वहीं स्कूली बच्चों को भी जल्दी से स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी के एक कर्मी ने बताया कि उन्होंने 10 मिनट में ही गैस की सप्लाई को रोक दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।